हे गाइस, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूर्यवंशी मूवी का जो ट्रेलर जो अभी कुछ ही दिनों नीचे जो रिलीज़ हुआ था, उसमें जो है एक सीन है जिसमें अजय देवगन जो है वो जो मिसाइल्स को है किस तरह से डॉज करते हुआ जो सीन है, ये सीन है। तो इस सीन को हम जो है क्रिएट करने वाले हैं, एडिट करने वाले हैं, और यहाँ पर जो है हम रिमूव करेंगे अजय देवगन को और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे अपने आप को। यानी कि मैं इस वीडियो में जो है अपने आप को रिप्लेस करने वाला हूँ। तो इस तरह का जो है सीन है हम किस तरह से एडिट करेंगे, तो वो ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ ताकि इस तरह की एडिटिंग वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो जो है आपको देखने को इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो गाइस, सबसे पहले जो है हम हमारा जो सीन है जो हमने क्रिएट किया है उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने जो है अपना सीन जो है क्रिएट किया है। उससे पहले जो है हम ओरिजिनल सीन देख लेते हैं। तो ये है ओरिजिनल सीन और हमने जो क्रिएट किया है वो सीन हम देख लेते हैं। तो ये है जो मैंने क्रिएट किया है। सो गाइस, यहाँ पर अगर देखें तो सीन जो है काफ़ी छोटा है, लगभग 2 सेकंड का से जो है क्लिप है, मगर इस पे जो है वर्क करने में काफ़ी टाइम मुझे लगा है। तो यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा मेहनत जो है मैंने कर लिया है। तो आपको यहाँ पे सिंपल करना ये है कि आपको ये सीन एडिट करना है तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर मैंने जो है आपको इस सीन का जो लिंक है, जो बैकग्राउंड लिंक है, वो मैंने प्रोवाइड किया है। तो उसको जो है आप जाके फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपको करना है अपने लिए जो है ग्रीन स्क्रीन का शूटिंग। तो किस तरह से करेंगे, आपके पास ग्रीन स्क्रीन वगैरह नहीं है, तो किस तरह से मैंने जुगाड़ का सेटअप जो है बनाया है अपने लिए, उसके बारे में मैंने जो है अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैंने जो है ग्रीन स्क्रीन जो मैंने जुगाड़ से बनाया था, जुगाड़ वाला मेरा ग्रीन स्क्रीन सेटअप है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला है। तो आई बटन में क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और अपने लिए जो है एक ग्रीन स्क्रीन सेटअप जो है तैयार कर लीजिए और वहाँ पर जो है आपको शूट करना है आपका वीडियो। सो गाइस, वीडियो शूट करने से पहले आपको जो है सीन देखना है कि किस तरह का जो सीन है और किस तरह से हमको हमारा जो शूटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो सीन है, यहाँ पर आप देख लीजिए, बैक से जो है कैमरा हमारे जो बैक में रहेगा और इस तरह से जो है हमको फ्रंट की तरफ फेस करते हुए, यानी कि कैमरा के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हुए कुछ इस तरह से हमको एक्शन करना है। तो ये वाला पहला सीन है। दूसरा सीन जो है इस यहाँ से है, कुछ इस तरह का सीन आपको जो है करना है। तो ये सीन मैंने जो है शूट कर लिया, जैसे कि आपने मेरे वीडियो में देखा है, मेरे शूटिंग वीडियो में देखा है, इस तरह से हमने जो है शूट कर लिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हम एडिट किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो भाई फ़िलहाल जो है मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में हूँ और आप चाहें तो इसको काइन मास्टर में भी कर सकते हैं, और मुझको पता है कि बहुत सारे भाई जो है काइन मास्टर का ही ट्यूटोरियल मांगेंगे, मगर इसमें इस सीन में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत आपको जो है सीन में एनिमेशन करना पड़ेगा। तो किस तरह से करना है वो सारा चीज़ जो है मैं आपको काइन मास्टर में भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है आप आपका जो वीडियो फुटेज है उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से चलिए मैं जो बैकग्राउंड का जो वीडियो दिया है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये है हमारा बैकग्राउंड, तो इसको जो है हम इंपोर्ट कर लिए हैं और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ डाल देते हैं। तो ये हमारा जो है बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया है। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए तो बैकग्राउंड जो है ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है। तो आपके भाई ने जो है पूरा मेहनत यहाँ पर कर लिया है,
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी आप देख सकते हैं तो पूरा जो सेटिंग वगैरह है मैंने किया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपका ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो आपने शूट किया है उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो भाई यहाँ पर सबसे पहला वाला सीन ये है, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला सीन के लिए मैं आपको मेरा कॉम्पोजिशन दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा एडिट करने में जो है टाइम लगेगा, पूरा प्रोसेस आपको बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो थ्री लाइन, ये जो लाइंस है, ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट, सॉरी यहाँ से हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं इफेक्ट पैनल में जाए और इसको मैं क्लोज़ करूँ, तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मेरा शूटिंग है, जैसे कि आपने देखा है। तो इसको जो है सिंपल हमने क्रोमा की कर दिया है, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये हमारा क्रोमा की हो गया है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये पहला वाला सीन इस तरह से आपको करना है, और थोड़ा बहुत जो है आपको एनिमेशन वगैरह देना है। सेकंड सीन भी सेम है, सेकंड सीन में आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेकंड जो सीन है ये पूरा स्टील है। तो यहाँ पर भी आप आपका ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो है उसको आप इंपोर्ट कीजिए, क्रोमा की कीजिए, यहाँ एनिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन है, और इसको भी मैं क्लोज़ कर दूं, और यहाँ से मैंने जो है थोड़ा पेन टूल से जो है मास्क किया है, इसको मैं एम प्रेस करके इसको नन कर देता हूँ, तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि मैंने शूट किया था, ये मेरा ग्रीन स्क्रीन वीडियो है। तो इस चीज़ को फिर से हम ऐड कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये मेरा सेकेंड सीन कुछ इस तरह से है। तो ये सेकेंड सीन मेरा क्रिएट हो गया। अब थर्ड सीन जो है, थोड़ा यहाँ पर भी आपको जो है सेम सीन है, सेम क्लिप ही है, इसको मैंने जो है यहाँ से क्लिप को जो है वहाँ से स्प्लिट करके यहाँ से जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैमरा का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है, यानी कि कैमरा जो है डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हमारा जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है उसको हमको छोटा करना था, तो यहाँ से स्प्लिट करके इस वाले लेयर को जो है मैंने, तो यहाँ से आप देख लीजिए इसको सेम चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से भी इसको मैं एम प्रेस करके यहाँ से इसको ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ, तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन यहाँ से है, ठीक है। तो ये सीन है, ये सीन है, दोनों सेम ही है, यहाँ से स्प्लिट करके बाकी का जो मैंने किया हुआ है, तो इसको फिर से ऑन कर देते हैं और इसको कर देते हैं ऐड। सो गाइस, इस तरह से जो है आप बना सकते हैं आपके लिए सीन। तो सॉरी, यहाँ पर क्रोमा की ऑफ है, तो ये हमारा क्रोमा की ऑन हो गया। सो गाइस, इस तरह से जो है मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट में ये वाला सीन जो है क्रिएट किया है। और आप आगे बढ़ते हैं हमारे काइन मास्टर में, कैसे हमको बनाना है, तो चलिए जंप करते हैं हम काइन मास्टर पे। दोस्तों, काइन मास्टर में एडिट करने के लिए हमने जो है काइन मास्टर ओपन कर लिया है, यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं 16:9 का रेशियो, और यहाँ से मीडिया ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ से हमारा जो फुटेज है उसको इंपोर्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे हमारा बैकग्राउंड। तो डबल आ गया, सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं, तो काफ़ी छोटा सा सीन है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड जो है आ चुका है। अब यहाँ पर जो है हमारा ग्रीन स्क्रीन जो शूटिंग वीडियो है उसको इंपोर्ट करना है, तो जैसे कि मैंने अपना पहला जो शूटिंग किया है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, और इसको करना है हमको जहाँ से हमारा सीन है, सोगा ये हमारा ग्रीन स्क्रीन है कुछ इस तरह से। अब इसको जो है हमको करना है क्रोमा की, तो यहाँ से हम हमारे नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, क्रोमा की के ऑप्शन में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा क्रोमा की का जो भी सेटिंग वगैरह है उसको हमको कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्रोमा की हो गया है, और यहाँ से हम थोड़ा क्रोपिंग कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको हम क्रोप कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है हमको नहीं चाहिए। अब इसके बाद में इसको हम करेंगे स्ट्रेच, तो थोड़ा सा और ग्रुपिंग कर देते हैं,
तो ये सीन हो गया है, अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको ट्रिम कर देना है। तो यहाँ से आगे का पार्ट जो है मैंने ट्रिम कर दिया है। अब यहाँ पर हमको एनिमेशन देना है, तो की फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से की फ्रेम आखिरी पॉइंट में जाके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे हम। तो पहला जो सीन हमारा कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया है। अब सेकंड सीन के लिए जो है फिर से हम वीडियो लेयर में जाएंगे और इसी तरह से जो है हमारा पूरा जो पूरा सीन है हमको क्रोमा की और एनिमेशन वगैरह जो है देते हुए इसको सेट करना है। तो मैंने जो है अपना ग्रीन स्क्रीन बना हुआ है जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट में मैंने जो बनाया था, तो पूरा सेटअप उसको मैंने किया हुआ है। तो इसको मैं फिल कर देता हूँ और यहाँ से जो है हम क्रोमा की कर देते हैं, तो इसको ऑफ करेंगे। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए है। तो ये मेरा सीन पहला सीन है, दूसरा सीन इस तरह से है। तो इस तरह से जो है आप काइन मास्टर में भी एडिट कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।